नागपुर सिटी क्राइम ब्रांच यूनिट 3 को 10 जुलाई को गुप्त जानकारी मिली थी। तंबाकू से भरा ट्रक गाड़ी नंबर MH49D2858 जो अशोधित तंबाकू से भरा हुआ था, यह ट्रक इतवारी विद्यावती देवड़िया विद्यालय के पास से गुजरने वाला है, ऐसी जानकारी मिली। यूनिट 3 ने वहीं पर गश्त लगाकर ट्रक को रोका, जिसमें अशोधित तंबाकू का माल मिला, जिसकी कीमत तकरीबन 3,48,000 रुपए बताई गई और साथ में 720 पैकेट बरामद हुए। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 को तंबाकू से भरा ट्रक पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें आरोपी ट्रक ड्राइवर विशाल प्रदीप परमार, जो इतवारी का ही रहवासी था, दूसरा मोहनलाल साहू वनदेवी नगर, इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कड़ी पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों ने मुख्य आरोपी दो भाइयों के नाम बताए। पहला नाम आसिफ शेख, दूसरा सलीम शेख। दोनों कई सालों से नागपुर शहर के अंदर गुटखे का कारोबार कर रहे थे। दोनों भाई खराब सुपारी लाकर नागपुर शहर में बेचने में भी इनका बड़ा हाथ था। दोनों भाई गुटखा और सुपारी के कारोबार में कई सालों से लिप्त है। उसके बाद भी आज तक दोनों भाइयों के नाम कभी सामने नहीं आए। 2019 में सुगंधित तंबाकू और गुटखा में आसिफ शेख पर गुनाह दाखिल हुआ था, उसमें भी आसिफ शेख फरार बताया गया था। कोर्ट से बेल लेकर खुलेआम अपने गुटखा सुपारी के व्यापार करने में लग गए। यूनिटी ने कार्रवाई तो बड़ी की, लेकिन मुख्य आरोपी दोनों भाई सलीम और आसिफ, जो तंबाकू गुटखा के बड़े कारोबारी थे, वह फरार हो गए। हमेशा देखा जाता है कि ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ही पकड़े जाते हैं और उन पर गुनाह दाखिल होता है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार हो जाते हैं। हमारा पहला सवाल ये कि पुलिस को गुप्त जानकारी मिलती है कि किस व्यक्ति का माल है, उसका नाम भी सामने आने के बाद भी मुख्य आरोपी फरार हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं, सिर्फ गरीब मजदूर यानी ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ही चपेट में आते हैं। दूसरा सवाल ये कि इतने सालों से इन दोनों भाइयों का गुटखा और तंबाकू का कारोबार चलने के बाद भी FDA इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? कहीं FDA अधिकारियों का दोनों भाई पर आशीर्वाद तो नहीं? तीसरा सवाल ये कि गुटखा अवैध काम करने वाले FDA के अधिकारियों के साथ साठगांठ तो नजर आ रहे, लेकिन महसूल डिपार्टमेंट भी इन पर कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही, जबकि नागपुर शहर के अंदर गुटखे का बड़ा कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा, महसूल डिपार्टमेंट भी शक के दायरे में नजर आ रही। पूरे महाराष्ट्र में तंबाकू गुटखा सुगंधित तंबाकू पर पाबंदी है, उसके बाद भी खुलेआम सलीम आसिफ जैसे लोग धड़ल्ले से माल बेच रहे, इन पर कार्रवाई न होने का कारण क्या नागपुर से MP छत्तीसगढ़ हैदराबाद तक गुटखा और सुपारी का कारोबार दोनों भाई दूसरे व्यापारी के साथ कर रहे हैं? नागपुर शहर के अंदर सुपारी के कई बड़े बड़े गोदाम हैं। नागपुर शहर के बाहर भी कई व्यापारियों ने विदेश सुपारी रखने के गोदाम बनाए हैं। शक के घेरे में आने वाले दोनों डिपार्टमेंट FDA और महसूल डिपार्टमेंट यानी DRI दोनों की नजर इन लोगों पर पड़ती क्यों नहीं? जिसकी जानकारी मीडिया को हो सकती, आम जनता को हो सकती, तो दोनों डिपार्टमेंट क्यों नहीं? महाराष्ट्र सरकार ने तो तंबाकू पर पाबंदी लगा दी, लेकिन नागपुर के अधिकारी कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे। कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों पर भी सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए, तभी आरोपी लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन 10 जुलाई को हुई कार्रवाई के दोनों आरोपी भाई बेल लेकर आएंगे और फिर से अपना कारोबार धड़ल्ले से चलाते हुए नजर आएंगे। V24 के लिए रितेश बोरकर, नागपुर।